चलो लिखते हैं एक नई दास्तां, नया हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान। नेशन न्यूज के तरफ से मैं रविंद्र गायकवाड़ आज हमारे शहर के लाडले और भारतीय जनता पार्टी के जिला शहर अध्यक्ष माननीय कुमार ऐलानी जी के यहाँ पर आए हैं। उनकी तरफ से हम आज उनको पूछना चाहेंगे कि ये आज जो गणतंत्र दिवस आ रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय है और वो शहरवासियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में। पहली बात तो मैं नेशन न्यूज को ढेर सारे बधाइयां देता हूँ जिन्होंने हमारे बम्बई डिवीजन में और खास करके उल्लासनगर में लोकल न्यूज चैनल चालू किया है। मेरे तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, पूरे उल्लासनगर के तरफ से नेशन न्यूज को ढेर सारी बधाइयां। आज हमारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है जिसमें हमारे लिए खुशी की बात है जो पहली बार हम लोग उल्लासनगर में एक बड़ी ऑफिस का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं 3000 स्क्वायर फुट का, जिसमें हम लोगों ने टेलीफोन एक्सचेंज के पास में एक जो ऑफिस का उद्घाटन रखा है और वो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है जो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पैमाने पे आज उल्लासनगर में पॉलिटिकली पहली पार्टी है जिसकी 3000 स्क्वायर फुट की ऑफिस है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख और सभी महिलाएं आगाड़ी वहां पे गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी बड़े धामधूम से मनाएंगे। मैं सभी शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां देता हूं और साथ में मैं इस गणतंत्र दिवस पे सभी शहरवासियों को अपील करता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ये 5 साल के कार्य बिना किसी करप्शन के ये 5 साल पूरे किए हैं, जिन्होंने काफी सारे योजनाएं, नए नए योजनाएं लाई महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, उनको एक बार 5 साल के लिए आने वाले समय में एक मौका देना चाहिए। साथ साथ में हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जिन्होंने इस महाराष्ट्र में न जाने कितने सारे योजनाएं लाए, योजनाओं की गंगा बहाई, ऐसे हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, उनको भी साथ देना चाहिए। दोनों को आज महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे न देश में लेकिन विदेश में नाम कमाया है, मैं सभी शहरवासियों को अपील करता हूं उनको एक बार दिल से, जो लोग गलत उफाव फैलाते हैं, नेगेटिव उफाव फैलाते हैं, उनसे दूर रह के उनके कार्यों को देखते उनको साथ दे, सहकार दे। इतना ही मेरा सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं के साथ में मैं अपील करूंगा। धन्यवाद। नेशन न्यूज जो चालू किया है उनको भी मैं इस माध्यम से शहरवासियों को अपील करूंगा कि ये न्यूज देखते रहे और ये नेशन न्यूज को आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।